मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी मॉल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज आपको सेक्टर 125 में एक ऐसी न्यूली बिल्ड कोठी दिखाने आए हैं जो हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हो। तो पहले यहाँ से जो ग्रेनाइट लगा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल चमकता हुआ, तो इसके अंदर एक आराम से हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आगे थोड़ा सा ग्रीन एरिया है और साथ में वॉशिंग एरिया भी है। तो उस एंगल से यहाँ पे एक टू व्हीलर भी हम खड़ा कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे ग्रीन एरिया कुछ हमने गमले लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं छोटे छोटे, तो वो लग सकते हैं। बाहर से सीढ़ियाँ हैं, स्टील की रेलिंग है और ये जो एक यहाँ पे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जो लॉबी के अंदर ही जो बाहर हमारे पोर्च होता है उसके अंदर ही LED लाइट लगाकर इसको डिज़ाइनिंग कर दे जाते हैं। तो इसको जब बीच में हम पेंट मार देंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। ऊपर हमने फॉल सीलिंग करके यहाँ पे एक फ़ैन या यहाँ पे हैंगिंग लाइट का प्रोविज़न दिया है। अब बात आती है कि ये चुगाट को देखकर 4.5-5 फीट की ये चुगाट है और जाली वाला दरवाज़ा बीच में यहाँ पे ग्लास दिया गया है। तो 8 फीट का नॉर्मली दरवाज़ा होता है और यहाँ पे ओपन किचन है बिल्कुल सामने। यहाँ पे जो एक्सेसरीज हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज़र हैं और स्पेस जो है वो तकरीबन 6 फीट की यहाँ पे चौड़ाई है, ये सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद भी। तो यहाँ जो सिंक है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगा हुआ जिसमें नॉइस नहीं आता पानी का, और चिमनी की यहाँ पे प्रोविज़न दे रखी है, गैस कनेक्शन की यहाँ पे प्रोविज़न दे रखी है। सिलेंडर आपका बाहर रहेगा, यहाँ से आपने खाली गैस का कनेक्शन करना है। अब अगर हम कैमरा को इस तरफ घुमाते हैं तो ये पूरे का पूरा हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये ड्राइंग रूम है और इसके अंदर ये बहुत ही डैशिंग ये वॉलपेपर है और उसके ऊपर दो लाइट्स जो हैं ये लगाने के बाद ये पूरा खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से हम बात करें तो 12 फिट और 12 फिट, तो 12x12 का ये हमारा ड्राइंग एरिया सेपरेट हो गया। अब इस ड्राइंग एरिया के इस तरफ हम बात करेंगे तो एक LED पैनल जिसमें L शेप का फ्रेम बनाकर उसके अंदर LED लगाकर शीट लगाकर यहाँ पे उसको खूबसूरत बना दिया, और नीचे की जो स्पेस है ये सारी की सारी जो स्टोरेज स्पेस बना दी गई है इसको यूज़ करके, और यहाँ पे हम अपनी LED लगा के इस एरिया के ऊपर हम डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं क्योंकि किचन बिल्कुल सामने है। अब किचन सामने है तो डाइनिंग टेबल है और इसके बाद ये रूम नंबर 1 आता है। तो रूम नंबर 1 में अगर हम आते हैं तो अंदर आप देखें कि वॉलपेपर बहुत ही शानदार लगा हुआ है, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं बाकमाल हैं, और शेड जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, जो नॉर्मल ट्रेंड में चलते हैं वैसे नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट हैं। और स्लाइडिंग यहाँ पे डोर हैं, डोर हाथ लगा कर पता लगता है कि हैवी डोर है, यानी कि जब आप इसको हिलाओगे तो जोर लगेगा। ऊपर भी फुल लेंथ कबर्ड है, दरवाज़ा शानदार है और LED पैनल फिर मैं कह रहा हूँ कि वॉलपेपर के साथ मैचिंग होकर, और नीचे वाली जो स्पेस है उसको भी यूटिलाइज़ किया गया है स्टोरेज के तौर पर। तो अब इसका अटैच वॉशरूम है, वो भी एक नज़र आपको मिला देते हैं। कमरे के साथ रूम नंबर 1 के साथ अटैच वॉशरूम है, फिटिंग थोड़ी सी पेंडिंग है जो कि लास्ट में लगाई जाती हैं, और बाहर इसका वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया में 2 टैप दी गई हैं और बिजली के कनेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, और पीछे टाइल लगा दी गई है ताकि क्लीन रहे, यहाँ पर गंदगी ना हो, पानी का फ्लो आराम से यहाँ से निकल जाए। अब इसी कमरे के अंदर ड्रेसिंग भी है और साथ में अब रूम नंबर 2 में चलते हैं। तो रूम नंबर 2 की जो लुक है वो 1 से डिफरेंट है। इसका वॉलपेपर देखें आप तो ये दूसरे वाले नंबर 1 वाले रूम से नंबर 2 का डिफरेंट है, और फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन डिफरेंट है, और जो कबर्ड है कबर्ड का भी जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, लेकिन कॉमन क्या है कि स्लाइडिंग है, और इसके साथ यहाँ पे ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न किया है। अब इस तरफ अगर हम आके आपको LED पैनल दिखाएं तो LED पैनल जो है इसकी लंबाई देखें कितनी लंबाई है,
और ये शेडो अगर यहाँ पे हम एलईडी लाइट इंस्टॉल कर देंगे तो इसकी जो लाइट पड़ेगी वो हमारे यहाँ पे जो भी सामान पड़ेगा उस पर पड़ेगी और बहुत खूबसूरत लुक आएगी। अब यहाँ पे जो स्पेस है इसको अगेन नीचे स्टोरेज के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, ड्रेसिंग के नीचे वाला भी पोर्शन है, और इस तरफ रूम का अटैच वॉशरूम है। तो अटैच वॉशरूम वाला ये भी हम दिखा दें आपको, और दरवाजे बहुत बहुत ही शानदार क्वालिटी के लगे हुए हैं, और इस कमरे के पीछे जाने का रास्ता नहीं छोड़ा हुआ तो इसीलिए यहाँ पे स्टोरेज बन जाएगी उस कोने के ऊपर भी, कि यहाँ पे लाइट आएगी बाहर से, रोशनी आएगी, हवा आएगी, लेकिन यहाँ से बाहर ना जाने की वजह से ये वाला जो एरिया है ये यूज़ेबल एरिया में आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम बेड लगाकर यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे बच जाएगी। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। रेलिंग और जो ग्रेनाइट लगा हुआ है सीढ़ियों पे वो बिल्कुल शाइनिंग है और बिल्कुल तैयार कोठी है। अब एक बात, जब हम बाहर से इसको व्यू करेंगे ये वाली शीट को, तो ये बहुत सुंदर लगती है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड आ गया है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहाँ आराम से बंदा रेनी टाइम के अंदर या सुबह के टाइम पे यहाँ पे बैठ के बंदा योगा वगैरह कर सकता है। और जो रेलिंग के साथ ग्लास लगा हुआ है उस पर भी फिल्म लगी हुई है, यानी कि वो भी एक सुंदर लुक दे रही है। अब फर्स्ट फ्लोर का जो दरवाज़ा है अगेन 8 फिट का है, और अंदर आते हैं तो पूरी किचन की स्लैब डली हुई है। ये रेंटल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ रहते हैं या स्मॉल फैमिली आती है तो उनके लिए किचन ऐसे बना दी जाती है, और नीचे जो इसके स्टोरेज आती है वो रेडीमेड जो लग जाती है। यहाँ पे अगर फुल किचन बनानी हो तो किचन में जैसे नीचे किचन बनाई है वैसे ही प्रोविज़न दी है चिमनी की, और वैसे ही सिंक यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम इस तरफ है, आपको अंदर जाके दिखाते हैं, और बड़ा लाइट कलर का यहाँ पे वॉलपेपर है, ऊपर फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग भी आपको नज़र में आते हैं, और साथ में यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम है, तो ये भी बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। अब बात आती है कि बाहर के वेड़े की, तो छत के ऊपर ये जो वेड़ा है इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दे दी गई हैं। अब यहाँ पे आती है इसकी प्राइसिंग की बात, तो अब सबसे पहले बात आती है इसके साइज़ की और फिर इसके प्राइस की। साइज़ 120 गज में बनी हुई है, सेक्टर 125 में है, फुली पॉपुलेटेड गली है, फुली पॉपुलेटेड एरिया है, स्पेशियस गली है और बंद गली है, यानी कि आपकी गली के अंदर आप डेड एंड से लास्ट वाला एक छोड़ के वाला आपका घर है, और यहाँ पे फालतू के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी गली के जो 5-6 लोग हैं वही आएंगे, उनकी गाड़ियाँ आएंगी, तो एक बच्चे खेलने होंगे गली में तो वो एक पीसफुल रहता है खेलने के एंगल से। और प्राइस की बात करें तो आज यहाँ पे प्राइस सारे शूट अप हो चुके हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत सारे यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने आपस में मीटिंग करके प्राइस जो हैं वो सब ने अपनी अपनी कोठियों के बढ़ा दिए हैं कॉमनली डिस्कशन के बाद, तो पूल करने के बाद अब रेट जो हैं 45 लाख वाली कोठी के 55 लाख कर दिए गए हैं। तो उससे क्या रहेगा कि अब जो प्रॉपर्टी ढूँढ रहे हैं उन पर उनकी पॉकेट पर असर पड़ेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब वो चीज़ पसंद आती है तभी खरीद लो, पता नहीं कब रेट बढ़ जाएं। तो अब क्योंकि रेट जो पिछले महीने 45 की कोठी थी आज बिल्डरों ने उसका रेट 55 कर दिया है अपने ग्रुप बनाकर सलाह मशवरा करने के बाद, तो चलो उसका बिल्डरों को फ़ायदा होगा और खरीदने वालों को नुकसान होगा। तो इस कोठी का आज का जो प्राइस है वो 6290 है जो इनकी डिमांड है, बाकी जब ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन तभी होती है। अगर आपको ये कोठी पसंद हो तो एक बार आके इसको फटाफट देख लें और इसको क्लोज़ करने की कोशिश करें अगर पसंद है तो, अगर नहीं करेंगे तो रेट और बढ़ने के चांस हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी, अगर इसको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आगे शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।